बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी इनके पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, वो भी नूडल्स वाले। इसमें हम नूडल्स की फिलिंग करेंगे, तो चले आइए देखते हैं किस तरह से बनाए हमने। रोल बनाने के लिए रोल शीट ली है हमने, और ये नूडल्स के चार पैकेट लिए हैं। ये देखें, ये इंडोमी के हैं। इसमें जो मसाला निकलेगा वो भी हम इसमें डालेंगे और इनको फुल बॉईल करेंगे। एक पाउंड चिकन लिए हमने बोनलेस, मटर लिया एक कप, सिरका लिया है एक टेबलस्पून, दो जवे लेके हमने इनको बारीक काट लिया है, काली मिर्च पिसी हुई लिए एक टीस्पून, चीनी एक टीस्पून, नमक आधा टीस्पून, दो टेबलस्पून सोया सॉस लिया है और दो टेबलस्पून तेल लिया है। इस तेल को में हम चिकन को बनाएंगे और मटर बॉईल करते हैं और नूडल्स बॉईल करते हैं, फिर आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल डालेंगे, लहसुन डालेंगे, इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसकी अच्छी से खुशबू आ जाए, फिर चिकन डालेंगे। नमक डाल देंगे, इसको ढककर पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, मीडियम टू लो पे इसको ढककर पकाया है, और ये देखें बिल्कुल गल गई। ये देखें, तो हम इसका पानी और ड्राई कर लेते हैं। नूडल्स हमारी उबल गई हैं और मटर भी बॉईल हो गई है, तो हम इन सब चीज़ों को ठंडा करते हैं। ये देखिए, हमने सब चीज़ों को बॉईल करके मिक्स कर लिया और इनको नॉर्मल कर लिया है, मतलब गरम गरम को हम नहीं भरेंगे रोल में। तो इसमें हम अभी ये डालेंगे, ये जो पैकेट में से निकला है पैकेट, ये डालेंगे। सोया सॉस, सिरका, और ये पैकेट निकले थे ना इसमें, इसमें से ये तीन हैं इसमें डाले, इसलिए हमने नमक कम रखा है, क्योंकि ये डालेंगे तो इसमें भी नमक है। और अगर आप ये चीज़ नहीं डालें ना, तो दो पिंच अजीनोमोटो डाल लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा इस काली मिर्च और चीनी। इसको सबको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। ये मैदा लिए हमने दो टेबलस्पून, और इसका इसको थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बहुत पतला नहीं बनाना है इसको। तो चले अब हम इसको हमें हाथ से भरना ज़्यादा इजी रहता है और जल्दी काम हो जाता है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, स्प्रिंग रोल आप चाहें तो चम्मच से भरें,
लेकिन हमें बहुत देर लगती है चम्मच से भरने में। सब चीज़ें बराबर की लें। चिकन के हमने छोटे पीस कर लिए थे पकने के बाद। ये देखिए पीछे को करके टाइट करें ताकि इसमें हवा ना हो। ठीक है, सारे इसी तरह से बना लेंगे। एक और दिखाते हैं बना के। देखिए नूडल्स को उठाएं, बोटी ले चिकन की और थोड़ी सी मटर, नूडल्स को हमने तोड़ लिया था, बड़े बड़े पीस नहीं रखे थे, तोड़ तोड़ के डाला था हमने, तोड़ तोड़ के बॉईल किया था। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भरा है हमने, आपकी मर्जी है आप जितना भर। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, मोटे बन गए। चलिए इसी तरह से सारे बना लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे रोल बने। यकीनन आपको और आपके बच्चों को तो ख़ास तौर पे पसंद आएंगी। एक टिप बताएं आपको और, कि बहुत ज़्यादा तेल में रोल फ्राई मत करिएगा। टिप ऑफ द डे है ये। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा तेल होता है ना तो ये घूमते रहते हैं, एक तरफ से डार्क हो जाते हैं और पलटो तो पलटे नहीं जाते हैं, वापस से अपने पहली पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस वजह से एक तरफ से डार्क और एक तरफ से लाइट होते हैं। जैसे पकोड़े तलते हैं ना बहुत सारे तेल में, उस तरह का तेल ना लें, बस ये डूब जाए इतना तेल हो। अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रिंग रोल रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। इसमें हमने नूडल्स की फिलिंग की है, आप भी ऐसे बनाइए, ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलें बनाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।